उन्होंने महंगाई महंगाई के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने मुद्दा उठाया। मैं किसान परिवार से आता हूं, ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ एक पंक्तियां मुझे मिली हो, मैं यहां पर पढ़ के बताने वाला हूं और मेरा भाषण समाप्त करने वाला हूं। लोग कहते हैं कि ये बदला वो बदल गए, ये दुनिया बदल गई है। बात वो नहीं है जिसके चर्चे उड़ रहे हैं। महंगाई नहीं साहब, खर्चे बढ़ गए। महंगाई नहीं साहब, खर्चे बढ़ गए। पहले नानी के घर बनती थी छुट्टियां, आम अमरुद खाकर मनाती थी छुट्टियां। अब तो गोवा और मनाली के ट्रिप लग रहे हैं। महंगाई नहीं साहब, खर्चे बढ़ रहे। सरे रहा लोग यूं ही नहीं मिलते थे रोज। पहले मिलो मिल पैदल चलते थे लोग, आज दो कदम जाने को बैग कैब बुक कर रहे हैं। महंगाई नहीं साहब, खर्चे बढ़ रहे। घर पे बने खाने का स्वाद लेकर इतराते थे हम। घर पे बने खाने का स्वाद लेकर इतराते थे हम। नमक संग रोटी खुशी खुशी खाते थे हम। अब हर वीकेंड होटल में दिख रहे हैं। महंगाई नहीं साहब, खर्चे बढ़ रहे। दो जोड़ी कपड़ों में पूरा साल निकलता था। बस दिवाली के दिन नया जोड़ा मिलता था। अब तो शौक फैशन के लिए सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं। महंगाई नहीं साहब, खर्चे बढ़ रहे। एक टीवी से पूरा मोहल्ला चलता था, एक दूरदर्शन से पूरा घर बहलता था। अब ओटीटी के जाल में फंस गए हैं। महंगाई नहीं साहब, खर्चे बढ़ रहे। 35 पैसे का खत का इंतजार रहता था। समाप्त कीजिए। खत के अंदर सबके लिए एक तो सबके हाथों में मोबाइल। खत के अंदर सबके लिए एक त्योहार रहता था। अब तो सबके हाथों में मोबाइल देख रहे हैं। महंगाई नहीं साहब, खर्चे बढ़ रहे। इसीलिए मुझे लगता है कि महंगाई में बोलते टाइम में जो किसानों की फसल होती है, जो किसानों की उपज होती है, उसके दाम बढ़ते हैं, तभी लोग महंगाई की ज्यादा चर्चा करते हैं। बाकी अपने अगर खर्चे कम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये महंगाई ज्यादा बढ़ी ऐसा लोगों को लगेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।